हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की रेसिपी है शाही ब्रेड टुकड़ा। अब दूध को हम गर्म करेंगे। एक लीटर दूध था, हमने इसे पहले से गर्म कर लिया था और दूध को ऐसे चलाते हुए हम पकाते रहेंगे। दो ब्रेड का हमने क्रम बना लिया है। आधा कप मिल्क पाउडर है, इलायची पाउडर आधा चम्मच, 2 टेबल स्पून शुगर है यानी चीनी, ब्रेड क्रम हमने डाल दिया है, मिल्क पाउडर डालेंगे, चीनी ऐड करेंगे और इलायची पाउडर। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे या 1 कप है। ताकि 300 ग्राम शुगर डालेंगे चीनी। अब इसका एक तार का चाशनी बनाएं। अब चीनी मेल्ट हो गया है, आधा चम्मच कार्डमम पाउडर डालेंगे यानी हरी इलायची का पाउडर, और 1 पिंच से कम फूड कलर। अब रबड़ी को हमने अच्छे से पका लिया है। अब चाशनी गाढ़ी हो गई है, एक तार की बन गई है, ऐसे तार जैसा निकलना चाहिए। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमने व्हाइट ब्रेड ले लिया है, इसका हम ब्राउन पार्ट्स निकाल देंगे। इसी तरह से हम काट लेंगे। अब पैन में हमने घी डाल दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और इसमें ब्रेड फ्राई करेंगे। अब इसे हमने पलट के सेक लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देसी घी में बनाने पर यह बहुत टेस्टी होता है। इसे भी अच्छी तरह से तल लेंगे।
अब इसी तरह से हमने दो दो चम्मच घी डाल के तल लिया है इसे। अब इस तरह से शुगर सिरप में डिप करेंगे। शुगर सिरप में डिप करके निकाल लेंगे और इसमें रबड़ी डालेंगे। ब्रेड को बिना काटे इस तरह से भी बनता है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं और काट के भी बना सकते हैं। इसे हमने टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दिया है, अब यह सर्व करने के लिए रेडी है। यह घी में बना हुआ शाही ब्रेड टुकड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसे आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक।